हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी बेस्ट ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो परिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम संख्या रेखा, जो नंबर लाइंस होती है, उस पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे उसे हम निरूपित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिंगल संख्या है, अभी दो है, तीन है, चार है, तो उसके लिए आसान होता है कि आप लाइन खींचे, नंबर लाइन खींचे और उस पर जो आपसे पूछा उसी पे आप उसको पॉइंट आउट कर दें। लेकिन जब संख्या फ्रैक्शन में आ जाती है, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में आ जाती है, तो उसे हमने सिखाया था कि उसे हम किस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो परिमेय संख्या होती है, अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई है तो उनके बीच की परिमेय संख्या हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले मान लेती हूँ कि मेरे पास एक परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या ए तथा बी है, दो मैंने परिमेय संख्या मान ली है और वो इस तरह से है कि जो ए है वो छोटी है बी से। ठीक है, मैंने दो परिमेय संख्या मानी, एक ए दूसरी बी, जिसमें ए जो है वो छोटी है बी से। अब मुझे क्या करना है, अब दोनों ओर ए जोड़ने पर, तो मैं इधर भी ये जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा ए प्लस ए और लेस देन, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा दो ए लेस देन ए प्लस बी, तो ए लेस देन ए प्लस बी बटे दो, ये आपको समीकरण एक मिल गई। ठीक है, अब दोनों ओर बी जोड़ने पर, इसी में ही मैं क्या करूंगी, दोनों ओर बी जोड़ने पर ये होगा, इसमें मैं बी जोड़ूंगी तो ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी, तो ए प्लस बी लेस देन दो बी, तो ए प्लस बी इसे मैं डिवाइड करूंगी दो से और ये हो जाएगा बी। तो मुझे इन दोनों समीकरण से, ये है समीकरण एक और ये है समीकरण दो, इनसे क्या कंडीशन मिली है, अगर इन दोनों को हम एक साथ करके लिखेंगे तो मुझे मिला है कि जो ए प्लस बी है और बटे में दो, ये ए और बी इसके बीच में है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। यानी कि अगर मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, तो उनके बीच की मैं परिमेय संख्या कैसे निकालूंगी, मैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ लूंगी और उसे दो से भाग दे दूंगी। जैसे दो और तीन के बीच की परिमेय संख्या मुझे बतानी है तो मैं क्या करूंगी, दो प्लस तीन बटे दो, यानी कि पांच बटे दो, इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, पांच बटे दो होगी। तो इस तरह से कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, जैसे दो संख्याएं दे दी उनके बीच में हम तीन परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं, चार परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं, कितनी भी हम निकाल सकते हैं इस मेथड का यूज करके, उन दोनों संख्याओं को जोड़ो और दो से भाग दे दो। बच्चों, परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं हम निकालते हैं उनको निकालने के भी दो मेथड हमारे पास है। ठीक है, ये पहला मेथड है, दूसरा मैं आपको भी बताऊंगी, पहले हम इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों, हमारे पास पहले एक एग्जांपल है कि एक और दो के बीच की पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी से हम इसे करेंगे, वो क्या था कि दोनों जो दो संख्या है ए और बी, उनको प्लस करेंगे और दो से भाग दे देंगे, इसमें ए मतलब एक और बी मतलब दो। ठीक है, तो हम इनके बीच की पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो पहले हम पहली ज्ञात करते हैं, एक और दो के बीच परिमेय संख्या, तो वो क्या होगी, वो होगी एक प्लस दो बटे दो, यानी के तीन बटे दो। ठीक है, देखो बच्चों, एक है हमारे पास, यहाँ एक है और ये दो है, इसके बीच में हमें एक दो तीन चार पांच, पांच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें से हमने एक निकाल लिया, तीन बटे दो निकाल लिए, तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ये हमने ये वाली संख्या निकाल दी तीन बटे दो। अब मैं इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकती हूँ, अब मैं इसे इसके साथ ले लूंगी। ठीक है, तो तीन बटे दो और एक के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, वो क्या होगी, तीन बटे दो प्लस एक, और दो से हम इसे क्या करेंगे, भाग देंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पांच बटे दो, यानी के पांच बटे चार। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आई है वो कौन सी आई है हमारे पास, पांच बटे चार।
ये आ गई है 5/4। ठीक है, अब इस संख्या को मैं इसके साथ ले सकती हूँ, 3/2 को 2 के साथ लूंगी, तो 3/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 3/2 + 2 और उसे भाग देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1/2 = 4, 7/2 यानी कि 7/4, तो इनके बीच में कोई सी संख्या निकल गई हमारी 7/4। तीन संख्या निकल गई है, हमें दो और निकालनी है। ठीक है, अब हम 5/4 और 1 के बीच में निकाल सकते हैं, भई अभी हमने इनके बीच कोई संख्या नहीं निकाली है, तो 5/4 और 1 के बीच परिमेय संख्या 1/2 5/4 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 यानी कि 9/8। इस तरह से आप इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 7/4 और 2 के बीच में, या इनके बीच में भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 3/2 और 7/4 के बीच में। ठीक है, तो मैं इनके बीच में निकालती हूँ 3/2 और 7/4 के बीच में परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगी 1/2, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, 4 एलसीएम ले लिया हमने, 6, 7 यानी कि 13/8, तो ये हो गया 13/8। ठीक है, हमने 9/8 में निकाली थी, इसके और इसके बीच में 9/8। अब देखो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 परिमेय संख्या निकल गई है, हमसे 5 ही पूछी थी, आप और भी निकाल सकते हैं ना, इसको इसके साथ लेके, इसको इसके साथ लेके, इस तरह से आप इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मेथड था जिसमें हमने यूज किया कि दो जो हमारी परिमेय संख्या है जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो इस तरह से हम बारी बारी से इन संख्याओं के बीच की संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें ये बात थी जब हमें ऐसे सिंपल नंबर दिए हो, सिंपल संख्या दी हो, अगर हमें फ्रैक्शन में दिए हो, भिन्न में दिए हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तब भी हमारा मेथड इसी तरह का होगा। उस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जैसे ही क्वेश्चन है, पहले में इसमें सिर्फ इनका डिफरेंस है, वो पूर्ण संख्या है थी और ये हमारे भिन्न में है, मेथड दोनों का एक ही होगा करने के लिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या कि 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, वो हमें पता है क्या होती है, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 1/3 + 1/2 और 2 से इसे हम भाग दे देंगे। यहाँ हमारे पास 1/3 है और यहाँ हमारे पास 1/2 है, इनके बीच में हमें 3 संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो इसे जब हम हल करेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा 5/6 यानी कि 6/12, तो इनके बीच की जो संख्या निकल के आई है वो आई है 5/12। ठीक है, ये 5/12 आई है, अब आप इन दोनों को लेके निकालोगे, तो अब 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 1/3 + 5/12 और 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 1/2 आपने इसमें एलसीएम ले लिया, 9 ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/24। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी इन दोनों के बीच की जो संख्या निकली वो निकली 9/24। अब इसको इसके साथ हम करके इसके बीच की संख्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे हम 1/2 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि इसे भाग देंगे, 1/2 + 5/12, इसे हल करेंगे हम, 12 हमने ऐसे ले लिया, 6 + 5 यानी कि 11/24, तो ये संख्या आ गई हमारे पास 11/24। बच्चों हमसे इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या पूछी थी जो हमने निकाल लिए। ठीक है, हमने ए और बी लेट किया और हमने ए + b/2 का फॉर्मूला लगाया और उनके बीच की परिमेय संख्या निकाल दी।
आप इनमें और भी निकाल सकते हैं, वो कहता है यहाँ पे पांच, तो आप पांच निकाल सकते थे, इन दोनों को लेके निकाल देते, इन दोनों को लेके निकाल सकते हो, इन दोनों को, इनके बीच की संख्या, मतलब एक बार ये ए ये बी, इस तरह से आप ए और बी लेट करके मान करके आप इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। बच्चों परिमेय संख्या निकालने का ये एक हमारा मेथड था। इसकी दूसरी और विधि है हमारे पास, मैं उसे आपको समझा देती हूँ। बच्चों अब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और विधि है, विधि सेकंड, कौन सी विधि है, उसमें क्या होता है, मैं उसे एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है दो और तीन के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहली विधि से भी कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए, और इसकी मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ। तो दूसरी विधि में क्या करते हैं हम, ये दो है और ये तीन। इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है x, और x में हम किसी भी संख्या से गुना करें और भाग दें, एक संख्या से पांच से हमने गुना करा, पांच से हमने भाग दिया, तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अगर मैं दो को पांच से गुना करूं, पांच से भाग दूं, तो ये हो जाएगा दस बटे पांच, यानी कि दो, तो तब भी क्या आएगा, दो ही आएगा। अगर हम किसी एक ही संख्या से गुना भाग करते हैं तो उस संख्या के मान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें यही इसमें यूज करना है। अब करना क्या है, यह है दो और तीन के बीच पांच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें हम प्लस एक कर लेते हैं, चार में ज्ञात करनी है तो चार प्लस एक यानी कि पांच। तो ये जो पांच है हमारा, पांच से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और पांच से हम भाग करेंगे। अगर वो हमसे कहता है कि आपको यहाँ पे चार की जगह पांच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करते हैं, पांच प्लस एक छह, छह से गुणा करते छह से भाग करते, छह से गुणा करते छह से भाग करते, ठीक है। तो इसमें चार पूछी हमसे, तो चार में हमने प्लस एक करा यानी कि पांच, तो दो में हम क्या करेंगे, पांच की गुणा करेंगे और पांच से हम भाग करेंगे। तीन में भी हम पांच से गुणा करेंगे और पांच से हम भाग करेंगे। तो ये हो गया हमारा दस बटे पांच और ये हो गया पंद्रह बटे पांच। अब इनके बीच में चार परिमेय संख्या पूछी है, आप लिख सकते हो ये दोनों बराबर हो गए पांच पांच, तो ये है दस बटे पांच है ये, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, ग्यारह बटे पांच, फिर बारह बटे पांच, तेरह बटे पांच और चौदह बटे पांच, और अगली हमारे पंद्रह बटे पांच। हमारे पास है एक दो तीन चार, चारों परिमेय संख्याएं हमारी निकल गई है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कितनी संख्या पूछ रहा है वो, उसमें एक प्लस करके उस संख्या से हम उनमें गुणा भाग कर देंगे और उनके बीच की जो संख्या है उन्हें हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात ही तब जब इस तरह के नंबर हो, इसमें भी अगर हमें संख्या फ्रैक्शन में दी हुई हो, भिन्न में दी हुई हो, तो हम उसे कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भिन्न में दी हुई है संख्या है, ठीक है, जो हमारी दूसरी विधि है उससे हम इसको हल करेंगे। पहले हमने दो और तीन के बीच निकाला था, अब हमने इसे भिन्न में लिख लिया है, दो बटे चार और तीन बटे चार के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दो बटे चार और ये तीन बटे चार। अब चार परिमेय संख्या है तो इसमें प्लस वन करके यानी कि पांच, तो हम क्या करेंगे, पांच से गुना करेंगे और पांच से हम भाग करेंगे। इस संख्या में भी हम पांच से गुना और पांच से भाग करेंगे, ये आ जाएगा आपका दस बटे बीस और ये आ जाएगा पंद्रह बटे बीस। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, दस के बाद क्या आएगा, ग्यारह बटे बीस, बारह बटे बीस, तेरह बटे बीस और चौदह बटे बीस, एक दो तीन चार, ठीक है। ये दो संख्याएं ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस तरह से अगर हमें संख्याएं भिन्न में दी हुई हो तब भी हम अपना जो सेकंड मेथड है उससे उनके बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब था, ये तब था जब इनके जो फ्रैक्शंस हैं, ये जो भिन्न है, भिन्न का जो ये हर है ये कैसा है, एक जैसा है, ये भी चार है ये भी चार है। अगर ये अलग अलग हो तब हम कैसे करेंगे, भी अलग अलग होगा तो हम जैसे संख्या से भाग देंगे तो ये हमारे बराबर तो आएंगे नहीं, तब हम संख्याओं को कैसे निकालेंगे, उसका भी एक एग्जाम्पल हम इस विधि से करना कर लेते हैं। बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दो बटे पांच और एक बटे तीन के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए,
अब इन दोनों भिन्न में ये हमारे अलग अलग हैं, है ना, ये दोनों समान नहीं है। समान के लिए हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, तो इसमें हम कैसे करते हैं, तो पहले अब हम इन दोनों भिन्न का जो ये हमारा हर है इसे हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, एलसीएम लेके। तो हम 5 और 3 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। तो वो क्या होगा इसमें, 15 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो हमारे नीचे के है इन्हें हम क्या करने की कोशिश करेंगे, 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2/5 ये 15 कब होगा, जब आप इसे 3 की गुना करोगे। लेकिन आप इसको 3 की गुना यहाँ करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब इसका मान अलग हो जाएगा, तो आपको ऊपर वाली संख्या में भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 6/15, ठीक है। अब इसी तरह से इसे करेंगे हम, तो ये हमारा 1/3 है, तो 3 में हम अगर 5 की गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर वाली संख्या को भी 5 की गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/15। अब हमारे पास एक तो ये संख्या है और दूसरी ये संख्या है। अब ये क्वेश्चन हमारा जो पहले वाला टाइप था उसी में बन गया है, जिसमें दोनों अंश क्या थे हमारे, सॉरी दोनों हर जो थे हमारे वो बराबर होते हैं। तो अब हमें 6/15 और 5/15 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 5 निकालनी है, तो 5 में हम प्लस 1 करेंगे यानी कि 6, तो इसमें हम 6 से गुना भाग करेंगे, इसमें भी हम 6 से गुना भाग करेंगे। तो 6/15 इसमें हम 6 से गुना करेंगे, 6 से भाग करेंगे, और ऐसे ही हम 5/15 में भी 6 से गुना और 6 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6×36/90 और ये हो जाएगा 30/90, ठीक है। अब इनके बीच की संख्या कौन कौन सी होगी, देखो ये हमारे पास क्या है, 30/90 है, तो इसके बाद क्या होगी, 31/90, फिर 32/90 और फिर 33/90, फिर 34/90 और फिर 35/90, और ये हमारे पास पहले से ही है 36/90। ये दोनों तो थी और ये हमने 5 निकाली है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इन्हें हमने बराबर किया एलसीएम लेके, और बराबर करने के बाद हमारे पास पहला वाला मेथड बन गया। फिर हमने देखा कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, उसमें 1 प्लस करा, और जो प्लस, जैसे 5 निकालनी थी तो प्लस 1 करा, 6 आया, 6 संख्या से हमने गुना भाग करी, ठीक है। गुना भाग करने के बाद हमने इनकी बीच की संख्याओं को लिख दिया, तो जितनी हमसे संख्याएं पूछी थी वो सारी संख्याएं हमारे पास निकल कर आ गई है। तो बच्चों ये था हमारा कि अगर हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हो तो उनके बीच में अगर हमें ज्यादा 3, 4, 5 या 1 परिमेय संख्या निकालनी हो, उसके हमने 2 विधि के बारे में बात की। पहला था हमारा कि a+b/2 से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बीच की। दूसरा था हमारा ये मेथड जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी हमें परिमेय संख्या पूछ रहा होता है उसमें प्लस 1 कर लेते हैं और वो जो संख्या होगी उससे हम गुना भाग कर देते हैं, और फिर गुना भाग करने पर ये हमारे बराबर हो जाते हैं, तो इनके बीच की संख्याओं को हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ये परिमेय संख्याओं का है। बच्चों कई बार हमसे अपरिमेय संख्याओं को भी पूछ लेते हैं, तो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए कि 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। बच्चों अपरिमेय का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अपरिमेय इसे हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम इसको डिवाइड करके निकालते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि। दीर्घ विभाजन विधि क्या होती है, इसमें हम इसे इससे भाग देते हैं, यानी कि 1/7, जब हम 1 को 7 से भाग देंगे तो भाग करने पर ये कैसी है हमारी, ये जब आप भाग करोगे तो ये आपको अपरिमेय ही मिलेगी। अपरिमेय मतलब ये कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, अशांत होगी, और अनावर्ती होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। तो जब आप इसको इससे भाग दोगे तो आपको भाग करने पर कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.14, 28, 57, इस तरह से आपको आगे कुछ संख्याएं मिलती रहेगी। तो आपने बस इतनी संख्या हमने ही ले ली है, और अब जब 2 को आप 7 से भाग दोगे तो आपको ऐसे मिलेगा 0.28, 57, 14,
और कुछ संख्या आपको मिलती रहेगी। मतलब ये कैसी है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और इसके बीच की हमें दूसरी अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको कुछ ही करना है, सिर्फ आपको भाग करके देखना है। तो आपने भाग करा, ये इस तरह से आपको मिल गया। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कोई और संख्या होगी उसे भी आप भाग करके इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो जब हम इनको इनके बीच की कोई संख्या निकालेंगे तो वो हमें इस तरह से भी मिलती है, 0.15150015000, आपको इस तरह की संख्या मिल जाती है। सिर्फ आपको भाग करके देखना है, ठीक है। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि उसमें वो दे देता है आपको क्वेश्चन कि 1/7 का मान आपके पास ये है 0.1428 57, तो आपको निकालना है 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप इसमें क्या क्या करेंगे भाई, 1/7 आपको दिया हुआ है, 2/7 आपको निकालना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की, दो, तो आपको क्या जाएगा, वो 2/7 का मान आ जाएगा। अगर आपको इसका मान निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की गुना कर लेंगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 3/7 का मान। अगर आपको 4/7 का निकालना है तो आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/7 का मान तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बस 4 का नहीं दिया हुआ है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 4/7 का मान निकल जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं में सिर्फ हमें भाग करके देखना होता है, विभाजन विधि से विभाजन करके देखना होता है वो कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे गैस करके पता कर सकते हो कि इनके बीच में कौन सी संख्या होगी, 1.1 इसमें पॉइंट करके कुछ संख्या होगी, ठीक है, 1.3 होगी, 1.3/7 होगी, तो इससे डिवाइड करके आपको कौन सी संख्या मिल सकती है। ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए किए जाते हैं, अपरिमेय संख्याओं में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने भाग करके जो आपको वैल्यू दी हुई है उसमें आप क्या करेंगे, ये आपके बराबर है तो जो ऊपर की आपकी संख्या है उससे आप उसको गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने परिमेय संख्या निकालना सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है उन्हें हम कैसे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं में भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।